हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं DDR3 रैम का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जो ये अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया था। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। ये रैम लैपटॉप का है, हाइनिक्स का है, प्रीमियम मेमोरी। ये साथ और कुछ भी नहीं है, एक ये स्लिप है, जो कि ये रैम का स्लिप है। जो कि DDR3 रैम है, ये मैंने लैपटॉप के लिए मंगाया है। HP का लैपटॉप है मेरे पास, उसमें 4GB का ही रैम है, तो उसे मैं अपग्रेड करके 8GB का रैम करूँगा, तो फिर उसका स्पीड भी अच्छा हो जाएगा। तो लैपटॉप में कैसे सेट किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें 4GB का रैम इंस्टॉल किया हुआ है और एक्सपेंडेबल है 8GB तक, तो 4GB और मैं लगाऊँगा क्योंकि इसमें 2 स्लॉट दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं भी ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, इसमें भी 4GB का लगा हुआ है रैम। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे 4GB का रैम लगा हुआ है। तो ये मेरा HP का है 250 मॉडल। इसे खोलने के लिए पहले इसे ऑफ करना होगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ पे मैं नट बोल्ट से टाइट किया हूँ। यहाँ का जो पैनल था स्क्रीन का, ये ब्रेक हो गया था, तो फिर इसी को मैं यहाँ से यहाँ पे टाइट कर दिया हूँ नट बोल्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। से ये भी निकाल लेना है, माउस का पैड, माउस पैड, पावर वायर भी, पावर केबल भी निकाल लेना है यहाँ से। ये मेरा टूट गया था तो मैं जॉइंट करके किसी तरह से किया हुआ हूँ। कुछ को रिमूव करना होगा, इसे हार्ड डिस्क पहले रिमूव करना होगा। डिस्क रिमूव हो गया और फिर इसके बाद यहाँ पे एक आप देख सकते हो यहाँ पे एक रैम लगा हुआ है 4GB का और एक यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है। तो मैं ये रैम यहीं पे फिक्स करने वाला हूँ। कॉर्सेयर का हुआ और
ट्रांसेंड का हुआ, तो मैंने इसका रेटिंग भी ठीक ही ठाक था और प्राइस भी सही था। और ये छोटा वाला स्क्रू यहाँ का है। टाइप से वहाँ पे आपको स्क्रू डालना होगा, एक यहाँ पे स्क्रू डालना है, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी इसमें चार स्क्रू लगेगा। फाइनली ये सेट हो चुका है पूरा, फाइनली इसे ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन हो चुका है, तो यह जुगाड़ सक्सेस है। ये भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि अभी मैंने इसका माउस पैड और कीबोर्ड का जैक इंस्टॉल किया हूँ, इसे वर्क नहीं करेगा, इसे फिर से रिस्टार्ट करना होगा। तो मैं ये पावर ऑफ कर दे रहा हूँ यहीं से, अब मैं इसका टेप कर दे रहा हूँ, टेप होने से पहले इसे अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ फिर से, अब मैं इसे पूरा ये माउस पैड के लिए मुझे रिस्टार्ट करना होगा कंप्यूटर को, एक्सटर्नल माउस यूज़ कर रहा हूँ अभी। उससे पहले मैं ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को चेक कर ले रहा हूँ, ये रैम, हाँ ये फाइनली ये 8 GB हो चुका है यहाँ पे। इसके लिए मैं भी रिस्टार्ट मारूँगा कंप्यूटर और इसे सही तरीके से फिट कर लेना है। ये माउस पैड भी काम कर रहा है, तो ये मेरा फाइनल सेटअप हो चुका है। अब ये कीबोर्ड को ऐसे फिट कर लेना है, इस तरह से, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, किधर पुश करना है 4-5 बार। इसे शट डाउन करके और जितना भी स्क्रू खोला था वो सबको लगा देना है सही तरीके से। लास्ट का मैं ये दो स्क्रू लगा रहा हूँ, ये सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैं आपको ओपन करके दिखा दूँगा, ये सही तरीके से पूरा मैं फिट कर दिया हूँ। और ये बैटरी को लॉक कर देना है, ये बैटरी लॉक हो गया,
प्रॉपर्टीज देख सकते हो, ये 8GB रैम इंस्टॉल हो चुका है। आप लोग कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना प्लीज़। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।